नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको ईशान कोण के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ईशान कोण में क्या होना चाहिए क्या नहीं ये भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको दिशाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा के बारे में मैंने आपको बताया। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं बात करूँगा, हम आपको बताएंगे आपके घर, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री की पूर्व उत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण के बारे में। अब हम चार कोणों की बात करेंगे। ईशान कोण तो आपके घर की, आपके ऑफिस का जो ईशान कोण की दिशा है उसका वास्तु में क्या महत्व है, ईशान कोण के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। यही नहीं, यदि आपके घर ऑफिस की ईशान कोण दिशा में कोई वास्तु दोष है तो बगैर तोड़फोड़ के उसका क्या उपाय है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि इस तरह की अच्छी से अच्छी जानकारी, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान में, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। तो कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 9 दिसंबर 2020, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज दोपहर 12:33 से सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। कल सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। ऐसे शुभ संयोग पर वामवर्ती सूंड वाले भगवान गणेश जी का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान ऐसे भगवान गणेश जी महाराज की ऐसी तस्वीर या मूर्ति जिनमें उनकी सूंड उत्तर दिशा की तरफ हो, उनका विशेष पूजन व्रत उपाय से मिलेगी अनचाही बाधाओं से, रुकावटों से मुक्ति, मनचाही सफलताएं। जी, और पंडित जी शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे ईशान कोण किस तरह से वास्तु के अनुसार महत्व रखता है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कैसे आपके घर के, आपके ऑफिस का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, आपके घर, आपके व्यापार की, आपके दुकान की, आपके बिजनेस की दशा को बदल सकता है, ये समझना जरूरी है दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके दुकान के ईशान कोण दिशा के बारे में। दोस्तों, सभी दिशाओं में सबसे उत्तम बताई गई है ईशान कोण दिशा। ईशान कोण दिशा अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे शुभ माना गया है। ईशान कोण दिशा में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं या नया घर खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ईशान दिशा के महत्व को समझना चाहिए। ईशान कोण दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, क्या हो क्या ना हो, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल वेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। तो दोस्तों, क्या आपके संतान के विवाह होने में आपको समस्या आ रही है, क्या आपकी संतान कुमार्ग पर चलने लग गई है, क्या आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, क्या आपको लगता है कि आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्या आपको हमेशा अपमान अपयश का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो इसके पीछे एक मूल कारण आपके घर के ईशान कोण दिशा अर्थात आपके घर का उत्तर पूर्व का कोना अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु दोष होना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर का उत्तर पूर्व का कोना अर्थात ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वास्तु सम्मत नहीं है, भारी है, गंदगी से भरा है, ईशान कोण कटा हुआ है, तो आपको और आपके घर के सदस्यों को नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि आपके घर का ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उत्तर पूर्व का कोना वास्तु सम्मत है, साफ है, शुद्ध है, तो निश्चित तौर पर आपको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास बना रहता है। तो वास्तु शास्त्र में ईशान कोण दिशा का बहुत महत्व बताया गया है। आपके घर का यह वो स्थान है जिस पर देव गुरु का आधिपत्य है, साथ ही यह वास्तु पुरुष का मस्तक भी है जिसे महादेव शिव का शीश होने की संज्ञा दी जाती है। शायद ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उत्तर और पूर्व दोनों ही शुभ ऊर्जा के विशेष महत्वपूर्ण सोर्सेज माने गए। आपके घर के ईशान कोण का शुद्ध, साफ सुथरा होना आवश्यक है।
यदि ईशान कोण में दोष है तो घर के सभी सदस्यों का विकास रुक जाता है। विवाह योग्य कन्या हो तो विवाह में बाधा आती है। सामाजिक अपयश, गंभीर रोग आदि घर में प्रवेश कर जाते हैं। हर प्रकार की समृद्धि के लिए ईशान कोण का जागृत होना बेहद अनिवार्य है। यदि ईशान कोण में मंदिर, साधना कक्ष, अध्ययन कक्ष और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, बोरिंग जो है, अगर ये नहीं है, आपके ईशान कोण के अंदर खुला हुआ स्थान नहीं है तो ये दोष है। अक्सर लोग जैसे शौचालय, स्टोर आदि बनाकर ईशान कोण को दूषित कर देते हैं, अपवित्र, अंधेका कर देते हैं। ईशान कोण जलकुंड, कुआं अथवा पेयजल या किसी अन्य जो सोर्स है उसके लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आपके घर के ईशान कोण में क्या होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप घर खरीद रहे हैं या अपना खुद का घर बनाना जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपके प्लॉट का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहीं पर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। पानी का जो टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, ईशान कोण में होना चाहिए। बोरिंग खुदवा रहे तो ईशान कोण में होना चाहिए, कुआं खुदवा रहे तो ईशान कोण में होना चाहिए, तभी शुभ परिणाम मिलेंगे। पूजा का कमरा ईशान कोण में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा का कमरा हो। बच्चों के पढ़ने लिखने का कमरा भी ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाकर शालिग्राम भगवान शिव को रखकर पूजा करने से संपन्नता बढ़ती है। ईशान कोण पर यदि प्रवेश द्वार हो तो माँ लक्ष्मी निरंतर कृपा बरसाए रखती है। ईशान कोण में जल क्षेत्र होना, पानी होना और उसमें कमल के पुष्पों का होना निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता रहता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपके घर ऑफिस के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा, सभी दिशाओं और सभी कोणों के अंदर सबसे शुभ दिशा और सबसे शुभ कोण जो माना गया है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को माना गया है। तो कभी भी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को गंदा ना रखें, बंद ना रखें। अगर ये गंदा है, बंद है, तो फिर लक्ष्मी, कुबेर, गणेश नहीं आएंगे, फिर दरिद्रता, गरीबी ही आएगी। और भूल कर भी ईशान कोण में अग्नि का वास ना रखें। आपके ईशान कोण में यदि आपने किचन बना दिया है, अग्नि का वास कर दिया है, तो निश्चित तौर पर 7 जन्मों तक भी आप जो है वो सुखी नहीं रह सकते हैं। नाना प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो लोग जो ईशान कोण में टॉयलेट बना देते हैं, पॉटी का स्थान बना देते हैं, उनके जीवन में तो इतने कष्ट आते हैं कि वो त्राहिमाम करने लगते हैं कि अब तो भगवान मुक्ति दे दे, अब तो भगवान मुक्ति दे दे। अरे मुक्ति मिल जाएगी ईशान कोण में से, वो टॉयलेट को हटा दो तो मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी। तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। सीढ़ियां स्टेयर्स, भूल कर भी ईशान कोण में स्टेयर्स ना बनाएं। वहां पर जैसे ही आपने स्टेयर बनाई, आप ये समझो कि आप और आपके घर और आपके वंश वो जीवन भर जो है वो धन की कमी का सामना करना पड़ेगा। उनको अकाल मृत्यु होगी ऐसे घर के अंदर, कर्ज बढ़ता रहेगा, भारी सामान, विद्युत उपकरण कभी नहीं रखने चाहिए। और आपके घर के ईशान कोण के अंदर कभी भी किसी भी परिस्थिति में गंदे कपड़े, झूठे बर्तन, जूते ना रखे। लक्ष्मी ऐसे घर में आती नहीं है। पति पत्नी का कमरा, बेडरूम कभी भी मास्टर बेडरूम ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए, वंशवृद्धि नहीं होती है। ईशान कोण तो शुद्ध स्थान है, भगवान की पूजा करने का स्थान है, बच्चों के पढ़ने का कमरा है। स्टोर रूम मत बनाए, स्टोर रूम बनाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े टंकियाँ रखेंगे, भारी करेंगे, तो वो स्टोर रूम भी ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पूजा का कमरा हो और बच्चों के पढ़ने का स्थान हो, यही वहाँ पे शुभ माना गया है। जी तो पंडित जी, क्या हो क्या नहीं हो ये तो आपने हमें बताया, और जैसे कि आप हमें बताते हैं कि वास्तु दोष अगर है तो उसके उपाय क्या हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, पूर्व उत्तर का कोना अर्थात ईशान कोण के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ अगर कोई वास्तु दोष है तो बगैर तोड़फाड़ के किस तरीके से उसको दूर कर सकते। अगर ईशान कोण में शौचालय है और अगर किसी वजह से हटाना संभव ना हो तो कांच के एक बर्तन में समुद्री नमक भरकर शौचालय में सदैव रखें। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन नमक भर के रखें, हर सप्ताह भर उसको बदलते रहें। उसकी शौचालय की जो बाहरी दीवार है वहाँ पर खोला जो मुख वाले शेर का चित्र लगा दीजिए। अगर ईशान कोण में जल का स्थान नहीं हो तो एक पीतल के पात्र में
जल भरकर उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, केसर, तुलसी और पंच धातु डालकर घर के ईशान कोण में रखें। हो सके तो रोज उस जल को बदले या सप्ताह में एक बार अवश्य बदले। तुलसी का एक पौधा रखकर उसमें नित्य जल देना, देशी घी का दीपक जलाकर आरती करना, शिव परिवार विष्णु आराधना करना आपके ईशान कोण के दोष को दोष मुक्त कर करके शीघ्र ही जागृत कर देता है और परिवार को शुभ फल देता है। यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो उस कटे हुए भाग पर एक बड़ा शीशा लगाइए, उससे भवन का ईशान कोण प्रतीकात्मक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वही ईशान कोण का प्राकृतिक रूप से बढ़ना शुभ है। चारों कोणों में अगर वो बढ़ रहा है तो वह अति शुभ है, जो और किसी उप दिशा के साथ में नहीं है। ईशान कोण के स्वामी भगवान शिव हैं। ईशान कोण में दोष होने पर भगवान शिव की पूजन अर्चन करनी चाहिए। ईशान कोण में पीले रंग के बल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ईशान कोण आपके घर का सबसे शुद्ध कॉर्नर है, हल्का रखिए, कभी भी भारी मत करिए उसको। ईशान कोण लोग बाग जनरली फ्रंट फेसिंग अच्छा लुक दिखाने के लिए ईशान कोण के ऊपर उसको भारी कर देते हैं, ऐसा कभी भूल के मत करिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा होना चाहिए, ईशान कोण सबसे नीचा होना चाहिए। और जिस घर का ईशान कोण हल्का है, साफ सुथरा है, वास्तु सम्मत है, वहीं लक्ष्मी, वहीं कुबेर, वहीं गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि समेत निवास करते हैं। जी, तो ईशान कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और आपको किस तरह से अगर वास्तु दोष होते हैं तो उनका निवारण क्या करना है, उपाय क्या करना है, ये पंडित जी ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा शो जारी रहेगा और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंगी जी। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।